हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारा लेक्चर है डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पार्ट वन है ये। और इसमें हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है, कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी इन द क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी इज इन द कंपैरिजन ऑफ बायोकेमिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इन आउटब्रेक सिचुएशन। अगर मॉलिकुलर टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन होता है वो होता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में। और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में होता क्या है, कंपैरिजन किया जाता है जो बायोकेमिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका कंपैरिजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। और ज़्यादातर ये आउटब्रेक के सिचुएशन में कंपैरिजन होता है। आउटब्रेक का मतलब कोई चीज़ बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रही है, जैसे कि करंटली कोरोना का केस है, आउटब्रेक हो रखा है कि चीज़ें स्प्रेड होती ही जा रही, इस ऐसी सिचुएशंस में ही इन मॉलिकुलर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। इसी को मॉलिकुलर एपिडेमोलॉजी भी बोलते हैं, और ये इसलिए टू एसर्टेन वेदर द आइसोलेट्स हैव अ कॉमन और इंडिपेंडेंट सोर्स। और ये मॉलिकुलर एपिडेमोलॉजी इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि जो आइसोलेट्स हैं या तो ये कॉमन हैं या फिर ये इंडिपेंडेंट सोर्स से आए हैं, कि किसी एकदम यूनिक जगह से आए हुए हैं या फिर ये बहुत कॉमन है हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे कि कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है कि ये कैसे आया, किसी चमगादड़ से आया या फिर ये कॉमन था, कॉमन नहीं था, किसी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट सोर्स से आया है, तो इन सारी चीज़ों को मॉलिकुलर एपिडेमियोलॉजी की वजह से असर्टेन किया जा सकता है। इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल टेस्टिंग, क्लासिकल टेस्टिंग जो थी दैट एनालाइजेस फिनोटाइपिक ट्रेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिकल टेस्टिंग में क्या किया जाता था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फिनोटाइपिक ट्रेट्स को एनालाइज किया जाता था। फिनोटाइपिक ट्रेट्स की एनालिसिस के थ्रू डिटेक्ट कर पाते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसमें माइक्रोस्कोपिक एंड कॉलोनियल मॉर्फोलॉजीज आती थी, एंजाइम और पिगमेंट प्रोडक्शन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन पैटर्न, कि जो माइक्रोब्स हैं उनका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो किस एंजाइम या पिगमेंट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन किस प्रोसेस से कर रहे हैं, ये सारी क्लासिकल टेस्टिंग में आते थे। लेकिन द एनालाइट फॉर मॉलिकुलर टेस्टिंग इज द जीनोम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अब मॉलिकुलर टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, ये क्लासिकल टेस्टिंग से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को इन्वॉल्व किया जाता है। जीनोम की टेस्टिंग की जाती है वेदर बाई RT-PCR और एनी अदर मेथड, जैसे कि अभी करंट केस में, कोरोना के केस में RT-PCR का यूज़ हो रहा है डिटेक्शन के लिए। उसी तरीके से जीनोम को ही रीड करके माइक्रोब्स के तरह तरह की प्रोसेसेस के द्वारा एनालिसिस की जाती है। द प्राइमरी मॉलिकुलर मेथड यूज्ड इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज आर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाने वाला है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR का यूज़ माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब ये किस टाइप का PCR है ये डिपेंड करेगा, ट्रेडिशनल PCR है, रियल टाइम PCR है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या इसी को हम RT-PCR भी बोलते हैं, एज वेल एज सीक्वेंसिंग। तो PCR किस तरीके का यूज़ किया जा रहा है ये भी डिपेंड करेगा कि माइक्रोब कैसा है, किस तरीके से उसको उसके जीनोम को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके बेस पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ किया जाएगा डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है स्पेसिमेन कलेक्शन।
माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग। जो माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं इनकी स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायर्ड होती है टू प्रिजर्व द वायबिलिटी ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म, ताकि जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसकी वायबिलिटी को प्रिजर्व किया जा सके। स्पेशल कलेक्शन सिस्टम्स हैव बीन डिजाइंड फॉर कलेक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट एनारोब्स, वायरसेस एंड अदर फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे कलेक्शन सिस्टम बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं ताकि स्ट्रिक्ट एनारोब्स जो हैं उनका कलेक्शन किया जा सके, वायरसेस का कलेक्शन किया जा सके और साथ ही साथ और भी जो फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कलेक्शन किया जा सके। कलेक्शन टेक्निक्स डिजाइंड टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ एडजेसेंट टिश्यू। जो कलेक्शन टेक्निक्स होती हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि किसी भी तरीके के कंटेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके, जो भी एनवायरनमेंट में वो माइक्रो प्रेजेंट है उसके एनवायरनमेंट में कैसे कैसे जो कंटेमिनेशन हो सकते हैं उन सबको वो अवॉइड कर सके। टू मॉलिकुलर टेस्टिंग, ताकि मॉलिकुलर टेस्टिंग उनकी इजीली की जा सके बिना किसी भी कंटेमिनेशन की। स्पेशली बाई एम्पलीफिकेशन मेथड, और एम्पलीफिकेशन मेथड ऐसा मेथड है जिसको ब्रॉड स्केल पे यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन के लिए। सैम्पलिंग मस्ट इंक्लूड मटेरियल्स फ्रॉम द ओरिजिनल इन्फेक्शन। जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग ऐसी जगह से होनी चाहिए जहाँ पे एक्चुअल में इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि जिस जगह पे इन्फेक्शन नहीं है अगर आप वहाँ से सैंपल लेके डिटेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हैं। इन्फेक्शन की जगह पे क्या सिनेरियो है ये आप पता नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सैंपल इन्फेक्शन वाली जगह से ही लेना चाहिए। द टाइम एंड साइट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी ऑप्टिमल फॉर द लाइकली प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। अब जो टाइम है, जो साइट है, किस जगह से कलेक्शन किया गया सैंपल का, ये ज़रूर पता होना चाहिए ताकि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को उस वो कितने टाइम में रेप्लिकेट कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है इन्फेक्शन कॉज करने में, इन सारी जगहों का पता लगा सके। साथ ही साथ ये भी पता लग सके कि किस जगह से लिया गया है ताकि कैसी जगह पे वो ग्रो कर पा रहा है, कैसी जगह पे ग्रो नहीं कर पा रहा है, इन सारी चीज़ों को भी पता लगाया जा सके, कंडीशंस को पता लगाया जा सके कि किन किन कंडीशंस में वो ग्रो कर पा रहा है, किन में नहीं। फॉर क्लासिकल मेथड्स दैट इंक्लूड कल्चरिंग ऑफ द एजेंट। क्लासिकल मेथड में जो भी एजेंट होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका कल्चर किया जाता है। अ सफिशियंट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ 103 पर ml स्पेसिमेन, 103 पर ml स्पेसिमेन होना चाहिए, मस्ट बी ऑप्टेंड फॉर एगार और लिक्विड कल्चर ग्रोथ। एगार या लिक्विड कल्चर ग्रोथ के लिए लगभग 103 पर ml स्पेसिमेन होना ही चाहिए। फॉर मोलिकुलर टेस्टिंग हाउएवर मिनिमम नंबर्स एज फ्यू एज 50 ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिटेक्टेड सक्सेसफुली। अगर मोलिकुलर टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए अगर 50 ऑर्गेनिजम्स पर ml भी प्रेजेंट हैं तब भी आप उसको इजिली डिटेक्ट कर पाते हैं। अब आता है सैंपल प्रिपरेशन। आइसोलेटिंग न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज सिमिलर टू आइसोलेटिंग न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम ह्यूमन सेल्स विद ओनली अ फ्यू एडिशनल कंसिडरेशंस। न्यूक्लिक एसिड्स को सेपरेट करना माइक्रोब्स में और ह्यूमंस में लगभग सेम होता है, सिर्फ कुछ एडिशनल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, क्योंकि वो बहुत टाइनी माइक्रोब्स हैं, बहुत छोटे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सबसे पहला ध्यान रखना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर रिगरस लाइसिस प्रोसीजर में भी रिक्वायर्ड। किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइसिस प्रोसीजर यूज़ करना होगा। लाइसिस प्रोसीजर होता है सेल्स को ब्रेक करने के लिए।
जो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। तो अगर आप किसी भी सेल को ब्रेक नहीं करेंगे तो आप न्यूक्लिक एसिड को कैसे पाएंगे? इसके लिए आपको सेल की लाइसिस करवानी होगी, सेल को तोड़ना होगा। तो सेल को तोड़ने के लिए किस प्रोसीजर का आप यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसकी सेल वॉल कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीजर यूज़ करना होगा ताकि आप सेल की लाइसिस करा के न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैविंग अ थिकर सेल वॉल, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक बहुत थिक सेल वॉल होती है। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं इनकी सेल वॉल थोड़ी सी पतली होती है एंड मे रिक्वायर मोर रिग्रस सेल लिसिस कंडीशंस। अब जो थिक सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव में तो उनको स्पेशल प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो सेल्स को ब्रेक कर सकें। माइकोप्लाज्मा ऑन दी अदर हैंड लेक्स अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। अगर सेल वॉल ही नहीं होती तो सोचिए कितना इजी होगा, ब्रेक ही नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड सो केयर मस्ट बी टेकन विद दी सैम्पल टू अवॉइड स्पॉन्टेनियस लाइसिस ऑफ दी सेल्स एंड लॉस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें सेल वॉल तो है नहीं तो आप न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली ले तो रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि सैंपल में कोई ऐसी लेसिस ना हो जाए कि सेल है जो सेल में कोई तरीके का ब्रेकडाउन हो जाए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड ही लॉस हो जाए। जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसी को एक्सट्रैक्ट ना कर पाएँ, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सैंपल को कलेक्ट करते टाइम, सैंपल के प्रिपरेशन के वक्त। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी होती है द कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी क्लिनिकल सैंपल है उस सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं, क्योंकि एक सफिशियंट कंसनट्रेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर सफिशियंट कंसनट्रेशन नहीं होगी आप आगे की प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। सैंपल शुड बी सेंट्रीफ्यूज्ड टू कंसनट्रेट द फ्लूड एंड द ऑर्गेनिज़म्स विद इन द फ्लूड फ्रॉम द मिलीलीटर्स ऑफ सैंपल दैट आर ऑफन रिसीव्ड। अब जो सैंपल आपने लिए हैं उनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के द्वारा होता क्या है, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो एक साथ में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और बाकी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, उनको आप अलग कर देते हैं, फ्लूड को अलग कर देते हैं, न्यूक्लिक एसिड आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है। डाउन टू मिलीलीटर वॉल्यूम्स दैट आर यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन प्रोसीजर। मिलीलीटर्स माइक्रोलीटर से भी अगर कम वॉल्यूम है तो आपको जो न्यूक्लिक एसिड है उसके एम्पलीफिकेशन में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट माइक्रोलीटर में तो कंसनट्रेशन माइक्रोब्स की प्रेजेंट ही हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है सैंपल के प्रिपरेशन के टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, पहली है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप कैसा है और दूसरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कंसंट्रेशन क्या है। एक और चीज़ आती है थर्ड, इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम यूज्ड इन मॉलिकुलर एनालिसिस। मॉलिकुलर एनालिसिस के टाइम पे जो एंजाइम्स यूज़ किए जा रहे हैं उनके इनहिबिटर्स तो नहीं प्रेजेंट हैं माइक्रोब्स में, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मॉलिकुलर एनालिसिस के टाइम पे अगर इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं, इनहिबिटर्स मे बी प्रेजेंट इन क्लिनिकल स्पेसिमेन, जो भी स्पेसिमेन आपने लिया है उसमें इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, रिमूवल और इनएक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटर्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ स्पेसिमेन प्रिपरेशन। जब आप सैंपल बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी इनहिबिटर प्रेजेंट है या तो आप उसका रिमूवल कर दें या फिर उस इनहिबिटर का आप इनएक्टिवेशन करवा दें ताकि आप प्रॉपर सैंपल का प्रिपरेशन कर पाएं। एनी क्लिनिकल स्पेसिमेन कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लिक एसिड फॉर एनालिसिस। किसी भी क्लिनिकल स्पेसिमेन को यूज़ किया जा सकता है सोर्स की तरह
ताकि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लिक एसिड की एनालिसिस कर पाएं। इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, CSF की बात हो रही है यहाँ पे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इनहिबिटर्स ऑफ DNA पॉलीमरेज हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। यहाँ पे देखा गया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड में DNA पॉलीमरेज के इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफोर केयरफुल आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम अदर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल विल मोर लाइकली रिजल्ट इन एन एम्प्लीफिकेबल सैंपल। जो न्यूक्लिक एसिड है इसका केयरफुल आइसोलेशन जरूरी होता है ताकि सैंपल में कोई और अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े और आप न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करके अपना जो वर्क चाह रहे हैं जैसे कि एम्प्लीफिकेशन है तो उसको एम्प्लीफिएबल सैंपल में आप तैयार कर सकें ताकि उसको एम्प्लीफाई करके आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर पाएँ। Sputum is used as a source of nucleic acid from organisms that cause respiratory tract infection. कुछ ऐसे infection होते हैं जो कि respiratory tract में infection को cause करते हैं, तो ऐसे organisms के लिए sputum का use किया जाता है। Sputum से nucleic acid का extraction कराया जाता है organism से, और ऐसे organisms ये होते हैं जो कि respiratory tract के infection के लिए responsible होते हैं। एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन स्प्यूटम में इनहिबिट DNA पॉलीमरेज एंड दिस मस्ट बी रिमूव्ड। अगर कोई भी प्रकार के एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स स्प्यूटम में प्रेजेंट हैं तो ये DNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार के एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स को स्प्यूटम से रिमूव किया जाना चाहिए और उसके बाद ही न्यूक्लिक एसिड का सैंपल प्रिपरेशन के लिए कलेक्शन किया जाना चाहिए। The type of specimen sent for molecular testing may also affect extraction and yield of nucleic acid. किस टाइप का स्पेसिमेन है जिसको कि मॉलिकुलर टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, इसका इफेक्ट एक्सट्रैक्शन और जो न्यूक्लिक एसिड की यील्ड है उस पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वायरल न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम प्लाज्मा इज ईजियर टू आइसोलेट then nucleic acid from pathogenic enterococcus in stool specimen. अगर किसी भी प्लाज्मा से वायरल न्यूक्लिक एसिड को आप निकाल रहे हैं तो ये काफ़ी आसान होता है निकालना, जबकि अगर आप एंटीरोकॉकस को स्टूल स्पेसिमेन से निकाल रहे हैं तो ये काफ़ी टफ प्रोसीजर होता है। इसलिए टाइप ऑफ स्पेसिमेन पे डिपेंड करेगा कि उसके एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एनी क्लिनिकल लैबोरेटरी प्रोसीजर इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट्स रिजल्ट। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि किसी भी क्लिनिकल लैबोरेटरी के लिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी पेशेंट से आपने सैंपल लिया है, जो डिटेक्शन कर रहे हैं, उसका जो भी रिज़ल्ट मिल रहा है वो रिज़ल्ट आपको क्लियर मिले, एक्यूरेट रिज़ल्ट मिले। इसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को अप्लाई किया गया हो। एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ मॉलिकुलर मेथड्स इन द क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स हैं उनको क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अप्लाई किया जाना एक अलग चीज़ है और उनको अप्लाई करने का वे एक ये अलग चीज़ है, तो इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड लेवल के मेथड्स हों, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी ना कंटेमिनेशन हो और ना ही कोई अदर चीज़ देखी जाए। The sensitivity of molecular methods is so high, जो molecular methods होते हैं इनकी sensitivity बहुत high होती है, that even one molecule of target can be used as a template. इतने high sensitivity होती है
कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसी को यूज़ करके आप टेम्पलेट की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं और आपका जो मेथड है, जो उसका रिजल्ट आप देखना चाह रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। दस इंश्योरिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ स्पेसिमेन इज मेंटेन। और इसी तरीके से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी स्पेसिमेन है उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मेंटेन करके रखा गया है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल इन अ न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन ऐसे, जो पॉजिटिव कंट्रोल होते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन के टाइम पे, अगर उनके इनकॉर्पोरेशन की बात करें, शोज दैट द एसे सिस्टम इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। उनसे ये पता चलता है अगर आपको पॉजिटिव कंट्रोल देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि जो एसे सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सेंसिटिविटी कंट्रोल दैट इज पॉजिटिव एट द लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन, अगर डिटेक्शन की लोअर लिमिट पे सेंसिटिविटी कंट्रोल है वो लोअर लिमिट पे पॉजिटिव है, तो इससे पता चलता है डिमॉन्स्ट्रेट सेंसिटिविटी ऑफ क्वालिटेटिव एसे। लोअर लिमिट पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि क्वालिटेटिव एसे की सेंसिटिविटी को आप वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं। रीजेंट ब्लैंक और कंटेमिनेशन कंट्रोल्स आर क्रिटिकल फॉर मॉनिटरिंग रीजेंट्स फॉर कैरी ओवर कंटेमिनेशन। जो रीजेंट ब्लैंक्स होते हैं या फिर जो कंटेमिनेशन कंट्रोल होते हैं, ये जो कैरी ओवर कंटेमिनेशन की प्रोसेसिंग होती है उसके लिए मॉनिटरिंग एजेंट्स होते हैं। दीज कंट्रोल्स कंटेन ऑल ऑफ द रीजेंट्स एक्सेप्ट टारगेट सीक्वेंस। ये कंट्रोल्स ऐसे होते हैं कि इनमें सारे ही रीजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वो रीजेंट नहीं होता जो आपका टारगेट सीक्वेंस होता है। एंड शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, और ये हमेशा ही नेगेटिव होना चाहिए। फॉर टाइपिंग एंड अदर स्टडीज़, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं या अदर स्टडीज़ कर रहे हैं, दैट माइट इंक्लूड नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। टाइपिंग या कोई अदर स्टडीज़ में अगर नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, सो अ नेगेटिव टेम्पलेट कंट्रोल कंटेनिंग नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ऐसे केस में नेगेटिव टेम्पलेट कंट्रोल जिसमें कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। इन ऑर्डर टू रूल आउट फॉल्स नेगेटिव ड्यू टू एम्पलीफिकेशन फेलियर, अगर एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है और एम्पलीफिकेशन ना होने की वजह से अगर फॉल्स नेगेटिव आपको रिपोर्ट मिल रही है, सो एन एम्पलीफिकेशन कंट्रोल एम्ड एट दैट एट अ टारगेट दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू एन एम्पलीफिकेशन एसे। तो ऐसे केस में एक एम्पलीफिकेशन कंट्रोल सिस्टम को लगाया जा सकता है जो कि हमेशा ही उसके साथ में अटैच रहेगा, ताकि अगर एम्पलीफिकेशन फेलियर होता है, एम्पलीफिकेशन ना हो पाए, तो उस केस में वो आपको एम्पलीफाई करा के आपके टारगेट को आपको रिजल्ट्स दे सके। एम्पलीफिकेशन कंट्रोल्स आर यूजली हाउसकीपिंग जीन्स। जो एम्पलीफिकेशन कंट्रोल्स होते हैं ये हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं और दोज दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ह्यूमन सैंपल्स। अब एम्पलीफिकेशन कंट्रोल या तो हाउसकीपिंग जीन होंगे या फिर ऐसे जीन्स होंगे जो कि हमेशा ही ह्यूमन सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। हाउसकीपिंग जीन दैट आर यूज्ड इन इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड प्रोकैरियोटिक जीन्स सच एज ग्रो ईएल, आरपीओबी, रेक ए एंड गायर बी 19। ये ऐसे जीन्स हैं जिनको हाउसकीपिंग जीन्स की तरह यूज़ किया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक जीन्स हैं। अगर यूकैरियोटिक जीन्स की बात करें जो कि हाउसकीपिंग जीन्स की तरह वर्क करते हैं, ये होते हैं एक्टिन, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इंटरफेरॉन, एक्सट्रेंसिक होमोलोगस कंट्रोल, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड पेप्टाइडिल प्रोपाइल आइसोमेरेज ए। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको ध्यान रखना है हाउसकीपिंग जीन प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से आते हैं और यूकैरियोट्स में कौन कौन से आते हैं।
इंटरनल कंट्रोल्स आर एम्पलीफिकेशन कंट्रोल्स, जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं ये एम्पलीफिकेशन कंट्रोल्स होते हैं दैट मोनिटर पर्टिकुलर स्टेप ऑफ एन एम्पलीफिकेशन मेथड, और ये एम्पलीफिकेशन मेथड के किसी पर्टिकुलर स्टेप को मोनिटर करते हैं, पूरी एम्पलीफिकेशन प्रोसीजर को मोनिटर ना करके किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को ही मोनिटर करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स कैन बी आइदर होमोलोगस एक्सट्रेंसिक, हेटरोलोगस एक्सट्रेंसिक और हेटरोलोगस इंट्रेंसिक। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये होमोलोगस एक्सट्रेंसिक हो सकते हैं, हेटरोलोगस एक्सट्रेंसिक हो सकते हैं, या फिर ये हेटरोलोगस इंट्रेंसिक भी हो सकते हैं। इन अ प्रोसीजर दैट डिटेक्ट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा प्रोसीजर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करता है, अ पॉजिटिव रिजल्ट स्टेट्स दैट द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन दैट सैंपल। अगर वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है तो पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस सैंपल में प्रेजेंट है। वेयर एज अ निगेटिव रिजल्ट इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्रेजेंट, और अगर आपको निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और आपका सैंपल का रिजल्ट आपको निगेटिव मिलता है। एट लीस्ट नॉट एट अमाउंट्स अप टू डिटेक्शन लिमिट ऑफ द एसे, अगर निगेटिव रिजल्ट है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक भी माइक्रोब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये भी हो सकता है कि कम से कम वो इस अमाउंट में नहीं प्रेजेंट हैं कि वो डिटेक्ट किए जा सकें, उनका अमाउंट बहुत कम है तो वो डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, इसका मतलब ये भी हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मे बी मोर प्रॉब्लमैटिक, अगर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि एंड अराइज व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट तब मिलते हैं जब ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट है लेकिन आपको रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है, तो उस केस में इसको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट बोला जा सकता है और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं, और ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करते हैं कि आपको माइक्रोब आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, आपको रिजल्ट में वो निगेटिव मिल रहा है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, माइक्रोब्स आपकी बॉडी में ग्रो करते रहेंगे, ग्रो करते करते वो एक ऐसी कंडीशन तक पहुंच जाएंगे कि वो बहुत लीथल हो जाएंगे और उनको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तब अराइज होता है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट बट द रिजल्ट इज नेगेटिव, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो होगा लेकिन आपके टेस्ट का जो रिजल्ट है वो निगेटिव होगा, तो ऐसे केसेस में आपको फॉल्स निगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और ये काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp एंड LinkedIn। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, और आप हमारे Academy के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से, ताकि आप हमारी Academy को इजिली एक्सेस कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, share and subscribe to our YouTube channel. If you are having any doubt or any query, then feel free to contact on our helpline number 7080833450. You can also visit our website www.idlsacademy.com. So thank you very much everyone, thank you for watching this session, and thank you for connecting with ITLS Academy.